हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी पोहा साबूदाना नमकीन। पोहा साबूदाना नमकीन बनाने के लिए मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें पीनट है, किशमिश है, आलमंड्स है, कैसनट है और गोला है। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इधर मैंने साबूदाना भिगो के रख लिया था कल 8 घंटे के लिए, फिर मैंने इसको धूप में सुखा लिया है। तो ये इस तरह का हो चुका है, देखिएगा। इधर मैंने एक कटोरी पोहा ले लिया है। इधर मैंने मखाने लिए हुए हैं। ये मैंने करी पत्ता लिया हुआ है जो मैंने धूप में सुखा लिया था। इधर मैंने एक हरा मिर्च लिया हुआ है जो मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं पोहा साबूदाना नमकीन बनाने के लिए कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई मैंने ले ली है, अब मैं गैस को ऑन कर लूँगी। इधर मैं अब ये एक कटोरी पोहा लूँगी, जिसको मुझे बिना तेल के ही भूनना है 5 मिनट तक कढ़ाई में। ये देखिएगा, पोहे को हमारे 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और ये इसका कलर ब्राउन हो चुका है, देखिएगा। अब हम इसको ऐसे चेक करेंगे, ये देखिएगा, ये टूट भी एकदम रहा है, तो इसका मतलब हमारा पोहा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी एक बॉल में। अब मैं एक पैन लूँगी। अब पैन में मैंने आधा कटोरी ऑयल ले लिया है ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भून लूँगी अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है इधर। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लूँगी। इधर देखिएगा, मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं और साबूदाना को भी अच्छे से तल लिया है। अब मैं फिर से इधर एक कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में मुझे अब मखाने को भूनना है। मखाने मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं, अब मैं इनको 2 मिनट के लिए भून लूँगी। ये देखिएगा, 2 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं, अब मैं इनको उतार लूँगी। अब मैं कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डालिएगा इसमें। इधर अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करूँगी। हरा मिर्च मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें करी पत्ता ऐड करूँगी, ये देखिएगा। अब मैं इसमें 1 पिंच हल्दी ऐड करूँगी, ये देखिएगा। जब हल्दी हमारी अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसमें अपना पोहा, भुना हुआ पोहा ऐड करूँगी। इधर हल्दी अच्छे से पक चुकी है, अब मैं इसमें भुना हुआ पोहा ऐड कर लूँगी अपना, ये देखिएगा इस तरह से। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने ऐड कर लूँगी जो मैंने तेल में तले थे, ये देखिएगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सादा नमक ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच करूँगी काला नमक ऐड। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारी पोहा और साबूदाना नमकीन बनके तैयार है। अब मैं इसको एक बर्तन में उतार लूँगी और गैस को कर दूँगी ऑफ। ये देखिएगा, मैंने नमकीन को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हमारी पोहा और साबूदाना नमकीन बनके एकदम तैयार है। ये नमकीन हमारी कम से कम 1 मंथ चल जाएगी। इस नमकीन को हमें रखने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर लेना होगा, उसमें हमारी नमकीन बिल्कुल सीलेगी भी नहीं और क्रिस्पी रहेगी, इसलिए हम एयरटाइट कंटेनर में इसको रखेंगे, इस तरह के डिब्बे में। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप भी इस तरह से नमकीन बना के ज़रूर खाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।